तलातन खेज मौजू से वो घबराया नहीं करते, इरादे जिनके पुख्ता हूँ नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातन खेज मौजू से वो घबराया नहीं करते। मौजू बहुत लंबा हो जाएगा, सिर्फ 10 या 15 मिनट में आपके सामने बयान करता हूँ कि सहाबा किराम रिजवानुल्लाही अजमाइन का इखलास और वही इखलास आज हमारे अंदर या उन लोगों के अंदर या उन सलफ और खलफ के अंदर या मौजूदा मुखलिसीन के अंदर जिन मुखलिसीन की दावत से करिया करिया गांव गांव आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौल सादिक आ रहा है कि उलाइक मसाबिहुल हुदा, ये लोग वो हैं जो मसाबिहुल हुदा हैं जिनके जरिए से हदायत गांव गांव पहुंचती है, जो हदायत के चरागाह हैं जिनके जरिए से कुरान की दावत गांव गांव पहुंचती है, जिनके जरिए से दावत इलाही घर घर तक पहुँच जाती है, जो उन फितनों को ख़त्म करते हैं। फरमाया उलाइक मसाबिहुल हुदा, ये ऐसे हदायत के चराग हैं, ये ऐसे हदायत के चिराग हैं जो कुरान से हदायत लेते हैं लोगों तक पहुंचाते हैं, सुन्नत रसूल से हदायत लेकर लोगों तक पहुंचाते हैं। और फरमाया ततजल्ला अनहुम, इनके जरिए से रोशन हो जाते हैं। क्या रोशन हो जाते हैं? ततजल्ला अनहुम फितनतुन गुलमा, ऐसे फितने खत्म हो जाते हैं, ऐसी बुराइयां खत्म हो जाती हैं जहां शिर्क और बिदात का अड्डा बन चुका होता है, जहां तरह तरह के शिर्क और बिदात और खुराफात होते हैं, लेकिन जब मुखलिसीन की दावत वहां जाती है, जब कोई मुखलिस आदमी वहां पहुंच जाता है तो वो चिराग का काम करता है, मसाबिहुल हुदा का काम करता है। और वही मुखलिस आज आपकी जमात के अंदर मौजूद हैं, वही मुखलिस आज आपकी जमात के अंदर और इस स्टेज के अंदर इस मजलिस के अंदर हाजिर हैं। ये वो मुखलिस लोग हैं जिन्होंने आज से लेकर जब से होश संभाला या जब से मैं कहूँगा दावत इलाही के लिए इनको अल्लाह ने चुना, तब से लेकर कितने गांव में मसाजिद तामीर हुई, तब से लेकर कितने लोगों को हदायत पहुँचाई, तब से लेकर आज तक कितनी मसाजिद तामीर हुई। तो इन्हीं को कहते हैं उलाई का मसाबिहुदा, यही वो हदायत के चिराग हैं जिनके जरिए से तौहीद फैलती है, जिनके जरिए से तौहीद गांव गांव में पहुंचती है। अल्लाह ताला जब किसी को काम लेना चाहता है, किसी से काम लेना चाहता है, तो जरूरी नहीं है कि वो कोई बड़ी डिग्री हासिल करके आया हो, जरूरी नहीं है कि उसके सर के ऊपर कोई बड़ी दस्तार हो, जरूरी नहीं है कि उसका लिबास कोई जामे लिबास हो। अल्लाह ताला मुखलिसीन की जब मुखलिस लोगों की दावत कबूल करता है, लेना चाहता है, तो सीधी सादी जिंदगी गुजारते हैं। उनके चलने के अंदर सादगी, उनके खाने के अंदर सादगी, उनके पीने के अंदर सादगी, उनके बसने और बैठने के अंदर सादगी। खुदा की कसम मैंने ऐसे मुखलिस देखे हैं, आप भी देखते होंगे कि हमारे मुखलिस लोग और सलफ सालिहीन को भी देखें और आज के मुखलिसीन को भी देखें कि अपने घर आज तक नहीं बनाए। हम नौजवान जब जवानी में संभलते हैं, जब जवान होते हैं, तो सबसे पहले नज़र होती है कि आपने घर बना लिया जाए, घर बना लिया जाए, घर के बाद शादी करेंगे, ज़मीन खरीदी जाए, घर बनाया जाए। लेकिन हमारे मुखलिस ऐसे हैं कि आज तक आपने घर की फिक्र नहीं, जैसा था वैसे ही है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी दुनिया के लिए दीन के लिए दे दी, आप लोगों के लिए दे दी, तौहीद के चिराग को जलाने के लिए दे दी। गांव गांव में सुबह शाम जाते हैं, ना आपने आराम को देखा है, ना आपने आसाइश को देखा है, ना आपने बाल बच्चों को देखा है कि कुछ घर में खाते भी हैं या नहीं।